नमस्कार कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है आज हम लोग झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा ऑन गोइंग है और लगभग सभी अभ्यर्थियों को पेपर फोर का सिटी का एटलेस जानकारी जो है ऑलरेडी मिल चुकी है और बहुत जल्द ये एग्जामिनेशंस होने वाला है तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने जुलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है

अरस्तु लेमार्क डार्विन लीनियस करेक्ट आंसर होगा लेमार्क द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिस्ड इन काफी महत्वपूर्ण बुक है सभी कोई वेल well नॉन है इससे तो ये बुक जो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब पब्लिश किया गया था पहला ऑप्शन है 1809, दूसरा अठारह तीसरा उन्नीस या फिर चौथा 1859 यानी कि 1859 और करेक्ट आंसर यही है ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ 1859 फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज डी कैंडोल लीनियस अरस्तु करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लीनियस फादर ऑफ़ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है लीनियस को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जुलॉजी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखें आंसर होगा अरस्तु वहीं अगर एपीडी कैंडूल की बात करें तो डी कैंडोल वॉज ए स्विस बोटानिस्ट द टर्म टैक्सोनॉमी। अगर आपको पूछा जाएगा कि ये जो टर्म टैक्सोनॉमी है उसे किसने क्वाइंड किया था तो करेक्ट आंसर होगा एपी डी कैंडोल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव वर्ड स्पेसिस वॉज क्वाइंट बाई पहला ऑप्शन है जॉन रे दूसरा ऑप्शन मेयर तीसरा ऑप्शन है जे हक्सले और चौथा ऑप्शन है सी लिनियस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन रे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स हाइएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड फैमिली स्पेसिस डिविजन या किंगडम करेक्ट आंसर होगा किंगडम तो ये जो टेक्सोनॉमी की जो कैटेगरीज है उसका सिक्वेंस क्या है किंगडम यानी कि बड़े से छोटे की तरफ अगर हम लोग जाएं तो पहला पोजीशन है किंगडम देन आफ्टर फाइलम एनिमल के केस में प्लांट केस में डिवीज़न होगा उसके बाद आएगा क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन एलिमेंट्री कैनाल इज अब्सेंट इन एनिमल्स ऑफ क्लास पहला ऑप्शन है रैक्नीडा, दूसरा सिस्टोडा तीसरा ट्रीमेटोडा और चौथा नेमेटोडा करेक्ट आंसर होगा सिस्टोडा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट

ट्यूबी फोर ट्यूबीपोरा और ओकुलीना ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं कोरल के हैं और साइनिया जो है येल ये का एग्जाम्पल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर पहला ऑप्शन है एन्योसफ्योना नन ऑफ तीस और करेक्ट एंसर है सी जिम्नोसफ्योना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अलेवन स्मॉलेस्ट वॉर्म इज पहला ऑप्शन है टीनिया मोनीजिया एकाइनोकोकस और कोटुगनिया स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म जो है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है दैट इज एकाइनो कोकस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाईलेटरल सिमेट्री इज ए में है आर्थ्रोपोडा बी में एनेलिडा सी में मोलस्का और डी में प्लेटी हेलमेंथिस तो जहां तक सवाल है फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एक्सिबिट बाइलेटरल सिमेट्री का तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लेटी हेलमेंथिस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एप्लाइसिया बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीन्यूरा गैस्ट्रोपोडा बाइवाल्विया सेफेलोपोडा तो एप्लाइसिया बिलोंग्स टू द क्लास गैस्ट्रोपोडा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजुआ आर प्लेस्ड इन प्रोटेस्टा मोनेरा फंजाई या एनिमलिया करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटेस्टा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई या प्लांटी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोनेरा माइकोप्लाज्मा मोनेरा किंगडम जो है इससे बिलोंग्स करता है हार्बी वोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर जो हार्बी वोरस सी मैमल्स होते हैं किस ऑर्डर में बिलोंग्स करते हैं ऑप्शन नंबर ए है फॉलीडोटा दूसरा ऑप्शन है सेटेशिया तीसरा है साइरेनिया और चौथा है आर डेक्टाइला करेक्ट आंसर होगा सिरेनिया हार्बी बोरसैम बिलोंग्स टू सीरेनिया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जू मस्टी गो फोरा जू मस्टी गो फोरा तो प्रोटेरोपों बिलोंग्स टू दी सब क्लास जू गोफोरा बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स एमनियोटा में कौन-कौन इंक्लूड्स हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ये ए में है बी में है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स सी में है रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ये डी ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ये आते हैं एमनियोटा में तो एमनियोटा इंक्लूड्स रेप्टिलिया या फिर रेप्टल्स बर्ड्स एंड मैमल्स जो कि ऑप्शन नंबर सी में question है नेक्स्ट तो तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन विच किंगडम प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स वे आर प्लेसड बाई विटाक एनिमलिया प्लांटी मोनेरा प्रोटेस्टा तो इन विच किंगडम प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स वे आर प्लेस्ड इन वेटाका तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें रखा गया है मोनेरा में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एमनियोड्स डो नॉट इंक्लूड एम्फीबिया रेपटाइल्स बर्ड्स मैमल्स तो जो एम्योड्स हैं ये रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स तो हैं लेकिन एम्फीबिया जो है इससे बिलोंग्स नहीं करता है तो सवाल था एमनियोड्स डो नॉट इंक्लूड तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एम्फीबिया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एम्योटा ग्रोप इंक्लूड्स

तो यहाँ पे देखिए जीनस एंड स्पेसिस क्लास एंड ऑर्डर फाइलम एंड फैमिली किंगडम एंड क्लास तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है द द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ 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 कैरोलस कैरोलस वाज फॉलोइंग तो का जो बाइनोमियल सिस्टम है है ना उसमें इसमें से कौन सा नहीं है तो फाइलम और फैमिली नहीं थे जीनस स्पेसिस था क्लास एंड ऑर्डर भी था किंगडम एंड क्लास था करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी

ऑप्शन नंबर डी रेप्टाइल्स एब्स एंड मेंबल्स आर एमनियोटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कंसर्न्स विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ए विटाकर बी स्ट्राइक लैंड तो यहां पे देखिए कंसर्न द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहां पर करेक्ट आंसर होगा ओनली बी स्ट्राइक लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 एनिमल्स इन व्हिच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टो पोर आर कॉल्ड तो एनिमल्स इन व्हिच माउथ डेवलप्स ऑपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमिया तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरोस्टोमिया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस फैमिली स्पीशीज ऑर्डर वैरायटी द करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट इज तो यहां पे देखिए जो करेक्ट सिक्वेंस है उसको एक बार याद रखेंगे हम लोग बड़े से छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं किंगडम फाइलम और डिवीज़न क्लास ऑर्डर फैमिली ट्राइब जीनस स्पेसिस सब स्पेसिज और वेराइटी तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को छोटा से ठीक है दी करेक्ट सिक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट ईज तो आप देखिए इस्मॉलेस्ट जो है वो वेराइटी है और ये फिफ्थ में मिल रहा है तो यहाँ पे डी ऑप्शन में देखिए पहला है फाइव और किसी में फाइव नहीं है मतलब डायरेक्टली जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हालांकि आप देखिए वेराइटी के बाद स्पेसिस आप नीचे देखते चलिए वेराइटी के बाद स्पेसिस उसके बाद वन में है जीनस तो आप देख रहे हैं स्पेसिस के ठीक बगल में जीनस लिखा हुआ है देन आफ्टर सेकेंड सेकेंड में जो है फैमिली है थोड़ा आगे बढ़िए ट्राइब तो है नहीं इसमें फैमिली है एंड देन आफ्टर फोर तो फोर में है आपका ऑर्डर राइट तो वेराइटी स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर डी में ये आपको मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास तो डॉग फिश सिल्वर फिश ग्रे फिश फ्लैट फिश ये ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर बी ग्लो वॉर्म सिल्क हाउस फ्लाई यानी कि जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है जिसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द सेम क्लास तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है ग्लोबार्म हाउस फ्लाई बग ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रो में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन दिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस दर्शन

एज एविडेंस ऑफ रिवल्यूशन वॉर्स पहला था जो ऑप्शंस दिए गए थे लियोनार्डो द विंची जॉर्ज दर्ज कुकेंड ऑप्शन था डार्विन थर्ड और लेमार्ड तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज कु नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटेर स्नेल स्टारफिश लिजार्ड स्नैक तो यहाँ पर स्टारफेस लिजार्ड और स्नेक जो है ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं स्नेल ड्यूटेरोस्टोम में नहीं आएगा तो यहाँ पर नॉट ए ड्यूटेरोस्टोम पूछा है यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्नेल स्नेल जो होता है वह प्रोटोस्टोमिया में आता है स्नेल्स कम्स अंडर प्रोटोस्टोमिया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी लिनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पहला ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल कैरेक्टर दूसरा है एवोल्यूशनरी ट्रेंड तीसरा है फ्लोरल कैरेक्टर और चौथा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजन डिपेक्ट्स दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंटामीबा पारामिशियम मोनोसिस्टिस या फिर वॉलॉक्स तो यहाँ पर देखिए बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के कैरेक्टर्स जो है उसको एग्जिबिट करता है वॉलॉक्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पॉरीफेरा एनेलिडा मोलस्का तो यहाँ पे देखिए जितने भी हैं चाहे पॉरीफेरा एनेलिडा या मोलस्का की बात करें ये सारे के सारे लैटिन ही है यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ तो दटेंट थर्टी टू क्वेश्चन थे और भी अलग अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मैं दोबारा मिलूँगा तब तक के लिए शुभ रात्रि धन्यवाद